गाइस नमस्कार, मैं हूं मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं दोस्तों कोर कॉइन को किस तरीके से ट्रस्ट वैलेट के अंदर आप लोग ऐड कर पाएंगे, वो प्रोसेस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर इनके ट्विटर हैंडल पे भी चल जाएंगे तो कल परसों का अपडेट आ चुका है कि भैया कैसे आप लोग ट्रस्ट वैलेट के अंदर कोर कॉइन को ऐड कर पाएंगे, वो प्रोसेस इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही चीज आपको फॉलो करना है। अगर अलग से कोई चीज करेंगे तो भैया अगर कोई गलती होती है तो उसका मिस्टेक का भुगतान आप खुद बनेंगे, ठीक है। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही मात्र आपको करना है। ये जो कोर कॉइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक ना, इसको किस तरीके से ट्रस्ट वैलेट के अंदर ऐड करेंगे वो प्रोसेस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सीधे मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर पे आ जाता हूँ और यहाँ पर सीधे सर्च कर लेता हूँ TRU ट्रस्ट, सर्च करूंगा ट्रस्ट वैलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट वैलेट के अंदर अगर अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया तुरंत जाके अकाउंट को आप लोग बना लेना। अब मैं सीधे इसको ओपन वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ओपन वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से कोड वगैरह आ जाएगा, तो आपको हो सकता है शो भी हो सकता है नहीं भी शो होगा, तो घबराना नहीं। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप ध्यान देना यहाँ पर कोर कॉइन को किस तरीके से ऐड करेंगे वो प्रोसेस समझना, ठीक है। अब देखो जब फर्स्ट टाइम ट्रस्ट वैलेट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आएगा। अब ऊपर आपको डबल डॉट इस तरीके से नजर आएगा लाइनिंग का, ध्यान से देखना, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ कुछ भी सर्च वर्च नहीं करना है। ऊपर आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा, देखिएगा ध्यान से, दो तीन बार मार्क लगा दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे दोस्तों आपको दो नेटवर्क ऑप्शन चूज करने का आएगा, एक टोकन का एक नेटवर्क का, ठीक है। तो टोकन वाले को नहीं चूज करना है, यानी जहां टोकन रहेगा उसको नहीं छूना है, आपको छूना है नेटवर्क वाले को, नेटवर्क वाले के ऊपर टच करना है। तो चलिए मैं नेटवर्क ऊपर टच कर दूंगा। जैसे नेटवर्क ऊपर टच करूंगा दोस्तों तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। पहला नेटवर्क ऑप्शन देगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा EVM, इसका मतलब क्या होता है, एथेरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है। कोर का जो नेटवर्क है दोस्तों वो ये है EVM, कोर का ये नेटवर्क रहेगा। पहले के हम लोग मेटामास्क के अंदर कोर नेटवर्क की जगह कोर डालते थे, तो यहाँ पर कोर नहीं डालना है, आपको EVM डालना है। अब कुछ नहीं, इसको जैसा उसको रहने देना। अब मैं सीधे कट कर देता हूँ, आप सीधे मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे जाने के बाद वहां पर आपको ये पेज मिल जाएगा, मैं आपको सबसे पहले सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क में क्या मैं यहाँ पर डाला हूँ, देखिए ऑटोमेटिक EVM वहां पर सेलेक्ट आ गया है, मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड लिख दिया है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ आ गया है EVM का, ठीक है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नेम में आपको कोर ब्लॉकचेन डाल देना है और सिंबल में भैया सीधे कोर डाल देना है। यहाँ पर जैसे जैसे दिया उसी तरीके से आपको डालना है, ठीक ना। अब नोड में क्या डालना है, नोड URL में क्या डालना है, देखिए https://rpc.coredao.org/, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब एक्सप्लोरर URL में क्या डालना है, https://scan.coredao.org, ठीक है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ भैया वही चीज आपको डालना है। तो चलिए ईमेल, ये तो सेलेक्ट है EVM सेलेक्ट है ऑलरेडी नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे कोर डालना है तो यहाँ पर मैं सीधे कोर ब्लॉकचेन नेम डालना है, तो कोर ब्लॉकचेन सीधे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद भैया सीधे ले जाकर वहां पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोर ब्लॉकचेन, तो मैं सीधे इसको लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंबल में देना पड़ेगा कोर, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए सिंबल में दिया है कोर, तो भैया यहाँ पर अब आपको सिंबल में कोर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं कोर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बड़े एक्शन में सब लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोर लिख लिया, अब ऑप्शन कौन सा आएगा, नोड URL का, ठीक है। तो मैं नोड URL डाल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब नोड URL कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है नीचे वाले लिंक पे, देखिए मैं ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ ना, कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चले नोड URL आ गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब नीचे आपको कौन सा मिल जाएगा, एक्सप्लोरर URL ऑप्शनल, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, आप सीधे बैक चले आना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन फिर मिलेगा, यहाँ पर वही चीज एक्सप्लोरर URL का, यहाँ पर नीचे आपको इनकी साइड मिलेगी, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ले जाके इसको फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, भैया आपका कोर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप मैंने EVM में नेटवर्क में EVM सर्च कर लिया, ऑटोमेटिक ये था ही, नेम में कोर ब्लॉकचेन डाल दिया, सिंबल में कोर डाल दिया, नोड में URL डाल दिया, ठीक है, नोड में जो भी इनका URL था वो डाल दिया, अब एक्सप्लोरर के अंदर जो भी URL था वो डाल दिया। अब सेव वाले आइकन पे आपको कुछ नहीं करना, सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोसेसिंग लेगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्रोसेसिंग लेता है तो लेने दीजिए, देखिए अब यहाँ चैन एड्रेस सक्सेसफुल दिखा दिया दोस्तों, ठीक है। अब डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहां पर आपको देखने को मिल सकता है भैया कोर ब्लॉकचेन ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है। अब यहां से देखिए, अगर सपोज करिए किसी व्यक्ति से कोर कॉइन मंगाना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर दो ऑप्शन दे दिया है, अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो सेंड करने के लिए आपको उनका एड्रेस वगैरह डाल के आप उनको सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को मंगाना है तो रिसीव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो एड्रेस है आप दे देंगे उनको, तो बंदा आपके ट्रस्ट वॉलेट पर कोर कॉइन को भेज सकता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।